కాలేజ్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ప్లేస్. ఇక్కడే మీరు ఎవరు ఏమిటి ఏమవుతారనేది డిసైడ్ అవుతుంది. మా డాడీంద్రా పొద్దున్న పొద్దున్నే నిద్రలేపి కాలేజ్ కాలేజ్ అని సాగొడుతున్నాడు. ఏముందిరా ఈ కాలేజ్ లో? दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ज़बरदस्त और एक्शन से भरपूर फिल्म की, जिसका नाम है राउडी बॉयज़. ये एक्शन एडवेंचर के साथ साथ थ्रिल से भरपूर फिल्म है. फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को आशीष देखने को मिलेंगे, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं. उनके साथ ही इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को अनुपमा देखने को मिलेंगी, जिन्होंने फिल्म में काव्या का रोल अदा किया है. साथ ही उनके साथ चिदेव विक्रम भी इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फिल्म में एक अहम रोल अदा किया है, जो कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं. और हीरोइन काव्या भी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट होती है. फिल्म की अगर कहानी की बात की जाए तो फिल्म में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के दरमियान लड़ाई होती है, और दोनों कॉलेज के स्टूडेंट एक दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं करते, और जहाँ भी एक दूसरे को देखते वहाँ खूब लड़ाई होती और मारधाड़ होती. लेकिन फिल्म में दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट यानी कि हीरो को मेडिकल कॉलेज की लड़की यानी हीरोइन से प्यार हो जाता है, और तब दोनों कॉलेज के लड़कों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है. राउडी बॉयज दरअसल मेडिकल कॉलेज के लड़कों का नाम होता है, जो कि हीरो के दोस्त होते हैं, जबकि फिल्म में श्रीदेव विक्रम का भी एक अहम रोल होता है, जो कि हीरोइन का दोस्त होता है और इससे उसे मोहब्बत होती है, और इससे मज़ीद लड़ाई होती है. तो फिल्म का दोस्तों ट्विस्ट से बड़ा हुआ एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना होगा कि फ़िल्म का एंड क्या होगा. तो दोस्तों अगर इस ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसे श्री हर्षा कोनोग्रांती ने डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म को प्रोड्यूस श्री वेंकटेश्वर ने किया है. और दोस्तों इस फिल्म की दोस्तों प्रोडक्शन की बात कर ली जाए तो इसे दिल राजू सुरेश ने प्रोड्यूस किया है, और साथ ही साथ इस फिल्म की राइटिंग की भी बात कर ली जाए तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट श्री हर्षा कोनोग्रांती की तरफ से है. और इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा हाई रखा गया था, यानी कि इस फिल्म को तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाया गया था. तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.